गुजरात विधानसभा चुनाव में तीन युवा नेता नायक बनकर उभरे। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाड़ी और अल्पेश ठाकुर, इन तीनों युवाओं ने बीजेपी के दिग्गजों को ऐसी मात दी कि बीजेपी गुजरात में जीत कर भी हार गई। सौराष्ट्र में हार्दिक ने कांग्रेस के हाथ को मजबूत किया तो वड़गाम में दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी ने बीजेपी उम्मीदवार को धूल चटाई। वहीं कांग्रेस के साथ आए ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर ने भी जीत का डंका बजाया। ये चुनाव इन तीनों नायकों की अग्नि परीक्षा माना जा रहा था, जिसे पार कर इन तीनों ने बीजेपी को जीत के बाद भी हरा दिया। गुजरात के राधनपुर निर्वाचन क्षेत्र से अल्पेश ठाकुर ने जीत हासिल की है। अल्पेश ने बीजेपी के लाविंगजी ठाकुर को हराया है। अल्पेश ठाकुर को 77,000 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 63,000 वोट मिले हैं। यानी यहां पे अल्पेश ठाकुर ने अपनी जीत हासिल कर ली है, उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को हराया है। अल्पेश गुजरात में पिछड़ा वर्ग के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अल्पेश की छवि सामाजिक कार्यकर्ता की है, उन्होंने गुजरात में कई आंदोलन भी चलाए हैं। ठाकुर की पिछड़ा वर्ग में जबरदस्त पहुँच है, लोग उनकी बात को सुनते हैं, वो दलित नेता कहे जाते हैं। और इसके साथ ही अल्पेश राज्य में मादक पदार्थों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ते हैं, वो अभी भी अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं। अल्पेश ठाकुर शराबबंदी के भी पक्षधर रहे हैं और यहाँ उन्होंने राधनपुर निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की है और बीजेपी प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा है।